हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम जो है वो बिल्कुल मॉर्निंग का हो रहा है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और टाइम मतलब इस टाइम पे 7:30 या फिर 8 या फिर 7:45 कुछ ऐसी टाइम हो रहा होगा, मतलब मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है कितना हो रहा होगा, लेकिन इतना ही टाइम हो रहा होगा। और हम मतलब जो पानी वगैरह मैं पीती हूँ, मम्मी ने पी लिया है थोड़ी थोड़ी सी। मम्मी को मैंने मतलब मम्मी ने चाय थोड़ा सा कम करी हुई है, तो आधी कप मम्मी को चाय दी थी मैंने। पापा को तो दूसरी बार चाय लेती हैं, तो पापा को भी चाय दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे जो नाश्ता मतलब रहेगा ना, जैसे रात की सब्जी, तो वो सब मैंने बाहर निकाल दिया, बट थोड़ा सा बचा हुआ आटा था वो बाहर निकाल दिया है। अब सिर्फ रोटी बनानी है। और मैं यहाँ पर मतलब किचन में अपना नाश्ता वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। और मम्मी जो है मतलब मैंने झाड़ू लगा दिया था और मम्मी ने फिर सारी डस्टिंग कर दी थी, और उसके बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद मम्मी फिर अपने दूसरे जो मम्मी के काम रहते हैं मम्मी वो करेंगी, और मैं अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो मम्मी और मैं ऐसे मिल के करते हैं, मतलब जैसे अगर झाड़ू मैंने लगा दिया तो मम्मी डस्टिंग कर देती हैं, या फिर अगर मम्मी झाड़ू लगा रही हैं तो मैं डस्टिंग पोछा सब मतलब कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारे काम जो हैं मतलब जिसके हाथ में जो काम आया और जिसको अच्छा लगे जो काम वो कर लेता है। तो यहाँ पर बस मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि सब्जी की कोई टेंशन है नहीं, रात की सब्जी बची हुई है तो वही हम लोग खाएंगे। मतलब मम्मी ने रात को बनाई थी भिंडी, आलू, प्याज, उसमें शिमला मिर्च, मतलब सारी मिक्स करके सब्जी बनाई थी, बहुत अच्छी और थी। तो वही सब्जी हम लोग नाश्ते में भी खाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखो हम लोग कितना भी कम बनाने की कोशिश करें ना, थोड़ा सा वो बची जाती है। तो हम लोग फिर ऐसा तो है नहीं उसको फेंकेंगे तो है नहीं, मतलब अगर जैसे रात का है तो सुबह खा लेते हैं, सुबह का है तो रात को खा लेते हैं। फिर ऐसे नहीं कि एक दिन पुराना है तो फिर वो हम भी नहीं खाते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है इस वजह से। तो मैंने आटा जो है वो गूंद दिया था, और उसके बाद ना मुझे ऐसे लगा कि चलो मैं आपको बहुत दिनों बाद मतलब यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, तो आपको मैं अपना गार्डन दिखाती हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना ग्रीन और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पर हमारी कैंडी पंखे के नीचे बैठी रहती है यहाँ पर, मतलब वैसे ये रात को अंदर रहती है, और जैसे सुबह पापा इसको घुमाते हैं 6:30 बजे, उसके बाद से कैंडी यहीं पे रहती है। कैंडी को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, अंदर ये जाती ही नहीं है, क्योंकि फ़ैन यहाँ पे खोलते हैं ना तो बहुत ठंडी हवा आती है, तो कैंडी को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो वो यहाँ पे 9 बजे तक रहती है, क्योंकि उसके बाद फिर धूप आ जाती है यहाँ पे, तो हम लोग इसको अंदर बिठा देते हैं यहाँ पर कैंडी। और जब हम लोग मतलब कल आए थे ना, तो इतनी ज़्यादा थे खुशी में, आपको क्या बताऊँ, मतलब इसने 15-20 मिनट तक तो ये बहुत ही ज़्यादा थे चिपकी रही, बहुत खुश हुई। और सुबह मुझे देख के इतना वो कर रही थी मतलब ना, क्योंकि इसको था कि कहाँ गए ना। तो बस कैंडी यहाँ पे अपना आराम कर रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टाइम अभी 9:15 हैं और मैं नहा गई हूँ, मम्मी नहाने गई हैं, क्योंकि मम्मी अपने थोड़े से जो काम थे मम्मी वो कर रही थी, तो इस वजह से मम्मी अभी नहाने गई है और मैं नहा के अभी जस्ट आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंदा हुआ है, आटा मैंने पहले ही गूंद दिया था, और सब्जी वगैरह है वो यहाँ पर है, तो इनको गर्म करूँगी। रोटी मैंने बनानी है अब, क्योंकि कितने 9:15 हो गए मैंने बता दिया आपको, तो नाश्ते का थोड़ा थोड़ा टाइम हो रहा है, मतलब पापा इस टाइम पे कर लेते हैं, कभी थोड़ा लेट भी कर लेते हैं। और सिया भी उठ गई है, वो ये रही वो वहाँ पे टीवी देख रही है, और वो सुबह से ही इतना बोर हो रही है। खैर वो कल से ही उसका मुंह अजीब सा हो रखा है, क्योंकि उसको दक्ष, नित्या, ऐशु उनकी बहुत याद आ रही है मुझे बार बार। मैंने उससे पूछ रही जितनी बार ना, वहाँ की याद नहीं आ रही है, बोली नहीं आ रही है याद। तो उसको थोड़ा बच्चों को लगता है, क्योंकि इतने टाइम रहते हैं बच्चों के, हम बड़ों को भी लगता है, लेकिन हम बड़े थोड़ा सा अपने आप को फिर भी थोड़ा सा ढाल लेते हैं, बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसको ऐसा हो रहा है कि खाली खाली सा हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ना वो नित्या को घुमा रही होती थी जब नित्या उठती थी ना, तो इस वजह से। तो मैंने उसको कहा मैं वीडियो कॉल करवाऊँगी। आशी अभी सो रही है, और बस अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और गर्मी तो उतनी है जितनी वहाँ है उतनी गर्मी यहाँ पर है, लेकिन हमारे इधर थोड़ा सा ये है कि थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है बैक साइड में घर के, तो थोड़ा सा हवा आना जाना ऐसा जाता है, तो मतलब ठीक है, लेकिन गर्मियाँ हैं तो अब ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं गर्मी नहीं है, गर्मी तो खैर हो ही रही है अभी। और यहाँ पे मम्मी ने आम ले रखे हैं, ये रहे, तो ये आम मुझे अभी पानी में टिप करके रखना है थोड़ा सा, क्योंकि दवाई वगैरह तो पके हुए रहता है, तो मम्मी बोल रही थी इनको पानी में थोड़ी देर मतलब आधे घंटे टिप करके रख देंगे, फिर मैं हटा दूँगी। और बस यही सब
चल रहा है अभी तो घर का। मम्मी से मिलवाऊंगी आपको बाद में, कान्हा जी से मिलवाऊंगी जब मम्मी उनको थोड़ा तैयार कर देंगे। अभी तो मम्मी ने उन्हें उठाया है, झूले पे बिठाया है। जब मम्मी उनको रेडी करेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं जब सुबह सो के उठी ना, मुझे ऐसा लगता था तो मैं वहां पर, क्योंकि उधर की थोड़ी आदत पड़ गई थी ना, इसलिए फिर याद आया नहीं मैं इधर आ चुकी हूँ। तो और मम्मी का फोन आया था, मम्मी बोलती वहाँ बहुत खाली खाली लग रहा है। और ऐसा ना होता है कि खाली खाली सा लगता है कुछ दिनों तक लगता है, फिर तो सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। लगता है बुरा तो क्यों नहीं लगता है, वो वाली बात है कि बच्चों से थोड़ी सी रौनक सी रहती है, चहल पहल रहती है, हल्ला रहता है इस वजह से। तो चलिए बहुत सारी बातें कर ली हैं, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो ये सूट है ना, ये सिलकर आ गए, मतलब मम्मी ये लेकर आ गई थी, मैं तो वहीं अपने घर पे थी तो उन भाई का फ़ोन आया था कि सिल गए, तो फिर मम्मी ले आई थी और इन्होंने काफ़ी अच्छा सिला है। मतलब मैंने उनको ऐसे नॉर्मली गला बताया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा सा गला सिल रखा है। यहाँ पर उन्होंने डोरी भी दे रखी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो सिलने के बाद काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ये। मैं ना ऐसे अभी चेक कर रही हूँ पहन के कि फिटिंग का मतलब ना कैसे है। और उन्होंने ना ये वाली कुर्ती, मतलब ये वाला सूट भी बहुत अच्छा सिला है। ये डिज़ाइन मैंने उनको बोला था भैया कुछ इस तरह का बना देना, क्योंकि प्लेन प्लेन थोड़ा सा अजीब लगता है ना, इसलिए तो उन्होंने यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइनिंग दी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मतलब फिर ये चीज़ ना प्लेन हो जाती है, नॉर्मल सूट जैसे लगते हैं, तो काफ़ी अच्छा वाला डिज़ाइन उन्होंने कर दिया है। सिंपल डिज़ाइन है ये तो, लेकिन अच्छा लगता है पहनने के बाद। और इसके साथ जो पैंट बनाई है ना, तो पैंट में भी उन्होंने इस तरह से डिज़ाइनिंग दी है। तो ये मम्मी ने बोला था कि इस तरह से बनाई हो, मम्मी ने शायद देखा होगा ना कहीं ऐसे कट वाला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको पहन के देख रही हूँ, फिटिंग के लिए पहन के देख रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने पैंट ही बनाई है, तो दोनों सूट जो है मेरे रेडी हो चुके हैं। मम्मी ने जो पहने हैं वो बिल्कुल फिट आए हैं मम्मी को, तो ये भी ठीक ही सिलूंगी, अच्छा सिलते हैं भैया सूट तो। लेकिन फिर भी एक बार पहन के देख लेती हूँ मैं। तो आशी जा रही है आज बहुत दिनों बाद ट्यूशन। आशी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ तो ये अपने आप से ही रेडी हो गई है ट्यूशन जाने के लिए, तो तैयार रहती है ये झूठ। तो आज बहुत दिनों बाद जा रही है, लेकिन तो अभी टाइम 3 बज रहे हैं, 3 बजे से इसका ट्यूशन। जाओ बेटा, दीदी को बोल देना, हाँ दोनों बोलना, दोनों होमवर्क कर दे, कर दिए हैं मतलब ना। ठीक है, चलो बाय। तो मुझे बोल रही है मम्मी आप मुझे बाहर तक छोड़ने तो आ जाओ, क्योंकि मैं कभी आती हूँ बाहर तक, कभी नहीं आती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो छोड़ देती हूँ, बहुत दिनों बाद ट्यूशन जा रही है। तो ये जा रही है, और ये सिया, आज सिया नहाई नहीं है ये, और इसने बाल भी नहीं बनाए आज अपने, है सिया? क्यों नहीं बनाए बाबू? मेरी मर्जी। अच्छा, तो बस आशी जा रही है और हमारा लंच भी हो गया। शाम का टाइम हो गया है, मतलब अभी बज रहे हैं 6, शाम के 6 बज रहे हैं, और मैंने चाय बना दी है। चाय मम्मी नहीं पी रही है, मैं भी नहीं पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा ऐसा है कि सच्ची में बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है चाय पीने का। तो मम्मी ने चाय नहीं पी, मैंने चाय नहीं पी है, बस हस्बैंड को और पापा को बना के दिए मैंने चाय, क्योंकि इनको पीनी थी, और पापा तो पीते ही हैं शाम को चाय इस वजह से। लेकिन अभी बिल्कुल मतलब मेरा मन ही नहीं हुआ ना मम्मी का हुआ कि चाय पिएं, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है इसलिए। तो यहाँ पर कपड़ों का इतना मेरा ढेर लग गया ना, ये देखो सारे धुले हुए। लेकिन ये आशिया अभी नहाई ना, ये दिन में नहाई थी, ये सुबह नहाई थी, मतलब सुबह नहाई थी ना हाँ तो सुबह ही नहाई थी,
तो इसने अपने कपड़े ढूंढे होंगे बैग में से, तो सारे कपड़े बाहर मेरे कर दिए और अपना कपड़ा जो उसको चाहिए था वो उसने ले लिया है। तो ये मैं ये ठीक करूँगी, धुले हुए कपड़े सारे बस फोल्ड करके मुझे रखने हैं ये कपड़े। और आशी भी आज ट्यूशन गई थी तो बहुत दिनों बाद, तो ट्यूशन से आ गई है ये। और थोड़ा सा मेरे यहाँ कमरे की सेटिंग भी थोड़ा सा चेंज करी है, वो क्यों करी मैं बता दूँगी अभी, तो वो आपको ब्लॉग में दिख भी जाएगा। तो बस यही है अभी शाम का, तो बस चाय चुई मैंने अभी बना दी है। और धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, लेकिन गर्मी का खैर वही है कि हो ही रही है गर्मी तो। और यहाँ पर ये वाला ये भी निकला हुआ है, उधर आशी ट्यूशन से आने के बाद बस थोड़ा देर उसने दादी का फ़ोन देखा, जो कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ़ोन देखना ही देखना है। और मैं सोचती हूँ अलमारी मेरे पास की हो जाएगी अलमारी, मुझे कुछ इसमें से निकालना था तो मैं निकाल दिया था। हाँ तो ये मैंगो शेक पियेंगे, तो अभी इनके लिए मैंगो शेक बनाऊँगी मैं। थोड़ा सा मैंने अपना बेड वगैरह पहले ठीक कर देती हूँ और कपड़े भी ठीक कर देती हूँ, इतने अरीब से हो गए यहाँ पे, बिल्कुल ठीक हो रखा था जब मैं कल आई हूँ। और अभी है मेरी वजह से, मतलब मेरी वजह से क्या, वो कपड़े थोड़ा सा मुझे रखना है इस वजह से, बैग खाली करना है इसलिए। तो चलिए आपको मैं थोड़ी देर मिलूँगी अभी थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े थे वो सारे ही बेड पे रख दिए हैं, अभी धीरे धीरे करके मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी। और पता है मुझे फ़ोल्ड क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो जिस बैग में आशी और थे कपड़े थे उसमें थोड़े से मेरे कपड़े भी थे, और आशी नहाई उसने अपने कपड़े लिए कुछ इसमें से, और जो उसको चाहिए था वो तो उसने ले लिए, लेकिन जो उसको नहीं चाहिए थे ना, जैसे कि मेरे कपड़े थे या उसके अपने थे, वो सारे उसने बाहर कर दिए, जिसकी वजह से कपड़े बहुत बुरी तरह से उनकी फ़ोल्डिंग फोल्ड जो थे ना वो ख़राब हो चुके हैं उनके, तो मुझे दोबारा से फ़ोल्ड करने पड़ेंगे। इस वाले बैग में मेरे कुर्तीज़ वगैरह जो कि बिल्कुल एज इट इज़ वैसे के वैसी हैं, क्योंकि मैं फ़ोल्ड करके ही वहाँ से लाई थी। तो अभी जितने भी कपड़े ऐसे अनफोल्ड हो चुके हैं ना, उनको फ़ोल्ड करूँगी मैं और उनको उनकी जगह पे रखूँगी। और इसको करते करते मुझे इतना टाइम हो गया था, और मैं कैमरा जो मेरा फ़ोन है वो भी ऑफ़ करना भूल गई थी, तो वीडियो इतनी लंबी बन गई थी क्योंकि मेरा ध्यान पूरा अपने इस काम में चले गया था। तो आधा घंटा शायद मुझे इसमें लगा, या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसमें लग गया, क्योंकि मुझे फ़ोल्ड करने पड़ गए कपड़े। मुझे ये था कि मैं वहाँ से फ़ोल्ड करके लाई हूँ तो यहाँ पर बस मुझे क्या करना है कि बस रखने पड़ेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था ये बात कि मुझे दोबारा से इसको फोल्ड करके रखने पड़ेंगे। तो बस सारे के सारे मैंने अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े सबके मतलब रख दिए, थोड़े से दो चार हस्बैंड के भी थे वो भी मैंने फोल्ड करके रख दिए। गया है 7 बज गए हैं शाम के, और मैंने सारे कपड़े रख दिए सारे के सारे कपड़े, और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, आधा घंटा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है। तो क्योंकि ना सारे अलग अलग करके रखने थे, आशी के अलग, सिया के अलग, मेरे अलग, इस तरह से रखने थे, और जो मैं डेली वाले मेरे कपड़े थे वो अलग रखने थे, तो सारे छाट छाट के मैंने फोल्ड करके वो सब रख दिए हैं। और अभी आप देख लूँगी हमारा बेड थोड़ा सा इधर की साइड आ गया, वो इसलिए आ गया क्योंकि ना जो ये इधर की साइड रहता है बेड, और पंखा हमारा थोड़ा इधर की साइड है, तो इससे क्या और था, जहाँ पे मैं सोती हूँ सबसे साइड में वहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मतलब कल तो फिर भी मैंने, चलो अब रात रात को क्या खिसकाते ना, तो फिर मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन अभी दिन में फिर वैसे इतनी गर्मी और पूरा पसीना पसीना, वहाँ हवा ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने इनको बोला कि थोड़ा बेड इधर खिसकाते हैं, और फिर अब हवा आ रही है इधर, तो फिर इन्होंने और मैंने मिलकर बेड वगैरह इधर खिसकाया, और जो ड्रेसिंग टेबल है हमने इधर कर दिया है अभी। तो पहले ना हम बीच बीच में ऐसे चेंज करते रहते थे कि कभी इधर, लेकिन काफ़ी सारे से उधर ही था बैठ ना, लेकिन अभी हवा उधर बिल्कुल नहीं आती, तो फिर इन्होंने मैंने इधर थोड़ा खिसका दिया है, उधर थोड़ा सा कूड़ा भी निकला, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने बेड अपना खिसकाया नहीं है, इतना हाथ जाता नहीं कि झाड़ू वहाँ से आ पाए ना, तो वहाँ से काफ़ी कूड़ा निकला, वो झाड़ू वगैरह हो गया, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा झाड़ू पोछा लग जाएगा, सफाई हो जाएगी रोज़ के रोज़। और फिर थोड़ा आगे खिसकाया, थोड़ा पीछे करके हमने इसको इधर कर दिया है, तो अब ये इधर आ गया थोड़ा सा, जहाँ पे हमारा ड्रेसिंग टेबल था तो थोड़ा उधर की साइड लेकर आ गए। तो अब क्या है कि जहाँ पे मैं सोती हूँ वहाँ पे बहुत अच्छी हवा अब आ रही है, कल तो बाबरे इतना वो हो गया, मुझे अजीब सी बेचैनी सी गर्मी गर्मी सी, लेकिन अभी अच्छा हो गया इधर की साइड। और थोड़े टाइम बाद जैसे बरसात लगी है कुछ, तो फिर मैं उधर खिसका देंगे हम लोग मिलकर उस बेड को, क्योंकि बरसात में भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है इसलिए ना, लेकिन अभी इतनी गर्मी है कि मेरे तो रहा ही नहीं गया, अजीब सा पसीना पसीना हो गया था, तो फिर इसलिए यहाँ इसे खिसकाना पड़ा। तो बस अब शाम का सारा काम फिनिश हमारा, मतलब नाश्ता हो रही है, अब डिनर बनाना है। मम्मी जो है प्लांट्स को पानी दे रही है आगे, और पापा ने पीछे पूरा जो क्यारी है वहाँ पे पापा ने पानी दे दिया है, और मम्मी बाहर है, तो और दिन की दाल बची हुई है और बैगन है, तो शायद मैं बैगन बनाऊंगी अभी,
और आशीर्वाद छत से आ गए हैं, वो भी अपना टीवी देख रहे हैं और थोड़ा सा अभी उसका फ़ोन भी आया था, सोनू का फ़ोन भी आया था, वो भी कह रही थी इतना खाली लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खाली लग रहा है। तो वो होता ही है, सबको ये लगता है, लेकिन अभी फिर वो जाएगी तो और खाली लगेगा, फिर उसके बाद मम्मी को फिर आदत हो जाएगी, जैसे मम्मी अपने यहाँ व्यतीत रहता है ना वैसी आदत हो जाएगी। और आजकल फ़ोन वगैरह तो है ही, तो फ़ोन कर लिया था मैंने, मैसेज में भी बात होगी है, तो बस सब बढ़िया है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा सा देखती हूँ मैं बैगन कैसे बनाऊँ, हलवा बनाऊँ या फिर कट करके मम्मी से पूछ के फिर मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आने के बाद तुरंत मैंने सबसे पहले आशी और तिया के लिए मैंगो शेक बनाया, क्योंकि उनको पीना था, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ और फटाफट बन जाता है ये, तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत आराम से बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैं उनके लिए मैंगो शेक बना रही हूँ, आशी को बहुत पसंद है, सिया को भी बहुत पसंद है, लेकिन सिया किसी बात में मुझसे नाराज़ हो गई थी, तो फिर उसने बिल्कुल भी मैंगो शेक नहीं पिया। मतलब वो इस तरह की है, अगर वो किसी बात से चिढ़ जाए तो फिर वो उसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सिया के साथ कुछ ऐसा सा है, तो उसने पिया ही नहीं। मैंने उसको इतना मनाया लेकिन उसने पी कर नहीं दिया, मैं ले गई थी 2 ग्लास आप देख रहे हो, लेकिन वो मुझसे ऐसे नाराज़ हुई छोटी सी बात में और फिर उसने पिया ही नहीं है। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई, लेकिन फिर कल ये जो मैंगो शेक है उसने पिया नहीं, फिर मैंने मम्मी को दिया, फिर मम्मी ने पिया ये वाला। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, इसमें मैंने जो बैगन है उनको भून दिया है, और एक इधर है इसको भी अभी करूँगी, इसकी हालत ऐसी होगी, अभी गर्म है ये, तो इसको भी मैं निकालूँगी इसकी स्किन। और इस तरह से जो भरता बनाओ ना बहुत जल्दी ही बनता है और टेस्टी भी लगता है। प्याज मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, पापा दूध लेके आ गए हैं और मम्मी इधर पूजा की तैयारी कर रही हैं, तो मम्मी इधर पूजा की तैयारी कर रही है। और आज हमारे कान्हा जी ने न्यू ड्रेस पहना है जो मैं लेकर आई थी ना, तो पहले ऐसे लग रहा था जैसे बड़ी लग रही है उन पर ना, लेकिन उन पे बिल्कुल फिट आई है, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। और कान्हा जी आज बहुत अच्छा लग रहा है, कान्हा जी तो खैर रोज ही सुंदर लगता है, तो हाँ येलो कलर ना बड़ा सुंदर लग रहा है इन पे। तो इधर है कान्हा जी और मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी, हाँ तो मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है इधर और मैं बना रही हूँ खाना। तो बस इसमें मुझे भी लगाना तड़का, इन सभी चीज़ों को ना मैं एक साथ मैश कर दूंगी, लहसुन हरी मिर्च बैगन और ये टमाटर, और सिर्फ प्याज के साथ इनको भून दूंगी। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से भी, मतलब मैंने एक बार ट्राई करा है तो अच्छे लगे, इसलिए मैं आप ऐसी बनाती हूँ, टाइम सेविंग है, मतलब ना टमाटर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए। तो यहाँ पे अभी मैं जो है भरता जो है वो बना रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, तो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ इस तरीके से, प्याज वो सॉरी टमाटर को भूनकर जैसे गैस पे ना, मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। और हम लोग अपने घर में दूसरी बार वही चीज़ ट्राई करते हैं, दूसरी बार वही चीज़ बनाते हैं जो हमें फ़र्स्ट टाइम पसंद आई होती है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी है, मुझे ये मेथड बहुत अच्छा लगा तो मैं अब ऐसी ही बनाती हूँ अपने घर में। पिछली बार जो टमाटर है ना वो थोड़े से हार्ड रह गए थे, क्योंकि मुझे पता ही था उन्हें कितना पकाना है, लेकिन इस बार मैंने जैसे पहले गलती करी थी ना, तो फिर इस बार मैंने उस गलती को सुधारा है, मैंने टमाटर को बहुत अच्छे से रोस्ट करा है और वो बहुत सॉफ्ट हो गए थे, मिर्च और लहसुन भी पिछली बार ऐसे हो गया था, तो इस बार मैंने उन्हें भी बहुत अच्छे से पकाया, सॉफ्ट करा, और जो इसका स्मोकीनेस होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लगता है जब हम छोटे थे उस टाइम पर मुझे मेरी मम्मी बनाती थी ना बहुत गंदा लगता था, कि वो ना जला जला से स्मेल आती थी, लेकिन इस टाइम पर यही जली जली सी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये हमारा बैगन का भरता यहाँ पे रेडी हो चुका है, और अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।